एक बहुत ही ग्रैंड इनविटेशन टू अ ग्रैंड प्लेस, तो काफ़ी आज एंजॉय करने का प्लान है कि साथ यहाँ पर करने वाले बहुत सारा फोटोशूट एंड ऑब्वियसली थैंक्स टू द पर्सन हु हैज़ इनवाइटेड अस टुडे हियर. इट्स अ ड्रीम फॉर मी और आई एम रियली थैंकफुल टू द पर्सन. आज बहुत ही मस्ती करने का प्लान है क्योंकि एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा रॉयल है जितनी कि ये प्लेस. दिस अ ग्रैंड प्लेस एंड दिस इज एज यूजुअल अ वेरी इंटरेस्टिंग ब्लॉग दैट यू आर गोइंग टू वॉच. तो ITC की पहली झलक देखकर अगर आप ऑलरेडी मोहित हो चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ आगे आगे और भी झटके खाने बाकी है. साथ साथ ही आपको फील हो जाएगी कि यहाँ की स्पेस कितनी ह्यूज है और इसके एम्बियंस देखते हुए आपके दिल में इंस्टाग्राम रील्स बनाने की चाहत तो ज़रूर बढ़ जाएगी, जैसे मेरी भी बढ़ी थी और मैंने भी काफ़ी इंस्टाग्राम रील्स शूट की है. तो इसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अविरिका की दुनिया भी चेक करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर मैंने बनाए बहुत सारे रील्स. इतनी खूबसूरत एम्बियंस एंजॉय करने के बाद अभी आप लोग सोच रहे हो कि व्हाट्स अबाउट द फूड, क्या है यहाँ की फूड रिव्यू, तो ये भी तो करना पड़ेगा ना. तो ऑब्वियसली मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ पे लंच नहीं करूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता. तो यहाँ पर मैं देख ही रहे हो आप लोग, मैं बैठ चुकी हूँ बहुत सारी फूड आइटम्स लेके, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ बुफे लंच. तो यहाँ पर मैं अगर फूड आइटम्स की बात करूँ तो आई थिंक, पता नहीं मुझे जितने भी क्विजिन्स इतने लाइफ टाइम में पता है, आई थिंक यहाँ पर सब कुछ था बिकॉज देयर वॉज अ मल्टी क्विजिन बुफे जहाँ पर आपको मिल रही है बंगाली फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, इवन नॉर्थ ईस्ट, और उसके साथ साथ आपको मिल रही है चाइनीज एंड थाई फूड एंड लॉट्स ऑफ लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ डेजर्ट्स और कुछ कुछ ऐसे भी फूड है जिसका नाम भी मैंने कभी सुना नहीं था बट मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है. तो ऐसे टाइप के फूड यहाँ पर थे एंड इट टेस्ट रियली अमेजिंग. और आप लोग अगर देख ही पा रहे हो कि कैसे दे आर सर्विंग विद प्रॉपर हाइजीन एंड एवरीथिंग. और यहाँ की बुफे आई थिंक बहुत जगह से बहुत यूनिक है क्योंकि यहाँ की सर्विस भी काफ़ी अच्छी है. सो आई ऑब्वियसली रिकमेंड कि अगर आप ITC रॉयल बंगाल आओगे सो आई थिंक इट्स वर्थ इट. और हाँ, अगर मैं फूड आइटम्स की बात करूँ तो यहाँ की सबसे स्पेशल जो मुझे चीज़ लगी है वो है यहाँ की स्ट्रीट फूड कॉर्नर. ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मिल जाएंगे गोलगप्पे, चाट एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रीट फूड आइटम्स. और यहाँ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी है वो है यहाँ का डेकोर. जो भी कॉर्नर में मैं जाऊँ वहाँ की डेकोर इज़ वेरी यूनिक क्योंकि आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत खूबिया से, बहुत बारीकी से यहाँ पर डेकोर किया गया है. और यहाँ के फ्लोर्स कहो या यहाँ की स्टेयरकेस कहो या फिर यहाँ की आप एम्बियंस, आई थिंक एवरी कॉर्नर से दिस इज़ ब्यूटिफुल एंड दिस इज़ अ वेरी प्रिटी प्लेस.
इस खूबसूरत प्लेस की खूबसूरत मेमोरीज साथ लेते हुए और इस प्लेस को अलविदा कहते हुए आज यहीं पे ये व्लॉग मैं एंड करूँगी। सो व्लॉग को छोड़ जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अमेरिका की दुनिया।